صلنا على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. تمام حضرات ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. تمام معزز مقتدر علماء کرام، شہادت کانفرنس میں تشریف لائے ہوئے تمام معززین، بزرگ بھائی، دوست، عزیز، اور باپردہ، باحیا، باعفت مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ان سب کو شہادت کانفرنس میں شرکت پر، کامیابی پر اپنی طرف سے، جماعت کی طرف سے مبارک بات پیش کرتا ہوں. اور استاذ العلماء مخدوم العلماء حضرت مولانا محمد عبد الوارث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لیے اور تمام اہل ایمان حضرات و خواتین کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے اور ان کی یہ یادگار مجلسیں اور پروگرام
इनका सवाब उनकी रूह तक पहुंचा दे। मेरे जिम्मा जो आज उन्वान लगा है, उसे मैं आम जुबान में बयान करूं तो वो कुछ ऐसे है कि तारीख़े इस्लाम में कोई एक या दो या चार या दस या बीस, सौ या हज़ार, इतनी फहरिस्त नहीं है। तारीख़े इस्लाम में शोहदा की एक बड़ी तवील और लंबी फहरिस्त है। और अगर अदबी ज़ौक के हवाले से बात करूं तो फिर मैं ये कहूंगा कि शहीद और भी हैं शहीद करबला के सिवा। आज इस मौजू पर आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं, खुले दिल से सुनिएगा। और ये आखिरी नशिस्त है, और कहते हैं कि इन्नमल आमालु बिल, इसका जो तकमिला है, ततिम्मा है, वो अल्लाह पाक खैर के साथ फरमा दें। हमारे यहाँ एक फिरका है, वो फिरका प्रोपेगंडा में इस कदर तेज है कि उनके अपने तो अपने रह गए, उनके उस प्रोपेगंडे का शिकार हमारे अहले सुन्नत वल जमात वाले भी हो जाते। अकीदा उनका है और जुबान हमारी होती है, और ये किसी जमात और गिरोह की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। इस कदर मुअस्सर प्रोपेगंडा है कि उनकी सुई एक जगह पे रुकी हुई है और वो साबित ये करना चाहते हैं कि जिस शख्सियत को, जिन अफराद को, जिन लोगों को हम समझते हैं कि ये हक पे, ये सच पे, दीन इनके पास, हक इनके पास, इनके सिवा बाकी सारे सिफर हैं। मेरी बात समझ आई आपको? ये प्रोपेगंडा है। न दीन आपके पास है, न दीन आपसे पहले लोगों के पास था। सीढ़ी बसीढ़ी आप चढ़ते जाएं, औलिया का दौर आएगा,
अतकिया का दौर आएगा, सूफिया का दौर आएगा, तबा ताबेईन का दौर आएगा, ताबेईन का दौर आएगा, सहाबा का दौर आएगा। ये सब सिफर हैं, जीरो। उन्होंने सबको माइनस किया, अबू बकर भी जीरो, उमर भी जीरो, उस्मान भी जीरो, अबू सुफियान भी जीरो, मुआविया भी जीरो। 100,000 से ज्यादा सहाबा किराम नाकाम, सिफर। अगर कोई दीन पे चलने वाला था या दीन को संभालने वाला था या दीन की बुनियाद था, वो बस सिर्फ एक था, उसके सिवा और कोई ना। और ये अशआर हम सब की जुबान पर हैं, प्रोपेगंडा में कामयाबी देखें आप। शाह अस्तो हुसैन बादशाह, दीन अस्त हुसैन, दीन पना हस्त हुसैन। कभी आपने इन अशआर का तर्जमा और मफहूम नहीं समझा, नहीं समझा। सरदात नदात, दस्त दर दस्ते, हक्का के बिना ए ला इला हस्त हुसैन। आप में से कितने लोग हैं जो शेर का तर्जमा और मफहूम समझते हैं? हर कोई लिखता है। मैं आज आपको यह बात समझाना चाहता हूं। सुन्नी मौलवी, सुन्नी खतीब, सुन्नी वाइज भी ये कहता है कि दीन सिर्फ हुसैन का नाम है। ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद ये हजरत हुसैन ने रखी है, इससे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद ही कोई नहीं। बाकी हजरत हुसैन के बारे सुनिया रजी अल्लाह ताला अनु के बारे साडा कितना ताल्लुक ते वास्ता है उन्होंने नाल। शहादत सिर्फ और सिर्फ शोहदाए करबला का नाम है। शहीद सिर्फ वही है, उनके अलावा कोई शहीद कोई नहीं तज़करा करेगा। जिस कदर लून पलेथड़ ला के मिसाले पा के ते नुक्कल पा के समझ दे, इस तरह ये शहादत बयान की जाती है। और कभी ऐसी सारे का सारा समेट के एक शख्सियत में बंद किया गया, शहादतें सारी दबा के पर्दे डाल के सारी शहादतें मेरे सुन्नी भाइयों के जहनों से माफ कर दी गई, सिर्फ एक शहीद। मैंने कहा वो सुमैया कहां जाएगी? मैंने आज आगाज ही औरत से किया है। उस पहली शहीदा को कहां करोगे? जिस सुमैया को
अबू जाल पकड़ के लाया और मक्के के चौराहे पे लाया। और मुतालबा क्या है? मुतालबा है कि कलमे से इनकार कर दे। दामने पैगंबर छोड़ दे, वरना क्या करोगे? कहने लगा दो ऊंट लाऊंगा, उनको मुखालिफ सिमतों में खड़ा करूंगा, एक का मुंह इधर एक का मुंह इधर, और उन्हें दौड़ा दूंगा। तेरे पांव में रस्सियां बांधी होगी, तेरा जिस्म पलक झपकते दो टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। कलमा छोड़, उस पैगंबर का दामन छोड़। और ये वो पहली शहीदा है, ये वो पहली शहीदा है, और जिसने कलमे के लिए और जिसने नामूसे पैगंबर के लिए अपनी जान को कुर्बान किया था। और उसने कहा था अबू जाल फक्ज़े मा अंतकास, अबू जाल जेड़ा मर्जी चांदे ही कर ले, जो जी में आता है कर लो, जो मर्जी में आता है कर ले, लेकिन एक बात कान के पर्दे खोल के सुन ले, सुमैया के जिस्म के दो टुकड़े नहीं, अगर सैकड़ों टुकड़े भी होंगे, उन टुकड़ों में से रब की तौहीद की आवाज आएगी, मोहम्मद की मोहब्बत की आवाज आएगी। कोई तस्करा नहीं सुनना, तो ये याद रखना, शहीद और भी हैं, शहीद करबला के। बोलो बोलो, दीन के लिए, दीन की बुनियाद, दीन की बुनियाद अगर मैं कह लूं तो शायद गलत ना हो, दीन की बुनियाद के लिए सुमैया ने खून दिया था। सुमैया ने बुनियाद रखी, ला इलाहा इल्लल्लाह इसकी बुनियाद। उन शहीदों का भी तज़किरा करो, और वो शहीद जो सूली पे चढ़ने के लिए तैयार खड़ा है। खुबैर फंदा गले में पड़ चुका है, बस थोड़ी देर के बाद वो जन्नत में जाने का मुश्ताक है। और किसी करीब काफिर खड़े हुए ने कहा, खुबैब अगर तेरी जगह पे पैगंबर होते, अगर इस जगह पे पैगंबर होते, खुबैब ने जलाली निगाहों से देखा, खुबैब कहने लगा जालिम तू मेरे पैगंबर के बारे में कह रहा है, मैं अपने पैगंबर के पांव में एक कांटा चुभना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और जब ये सहाबी झूला है और जब दुनिया से जाने लगा है तो जुबान से कहता हुआ आशिकाना नारा लगाता हुआ गया, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, मुझे काबा के रब की कसम है मैं कामयाब हो गया। ये तो शहीद कोई नहीं, ये शहीद कोई नहीं। मैंने कहा बड़े बड़े शहीद हैं यार, एक रात का दूल्हा है। सहाबा की अजमत हम इसी तरह नहीं बयान करते, हमारा दिमाग खराब नहीं है। ये सहाबा की जमात वो है कि ये दामन निचोड़े तो रब के नूरानी फरिश्ते वुजू करें, और ये सहाबा वो हैं कि जिनके पांव के तलवे के साथ जन्नत की हूरें अब
अपनी आंखें मलना अपने लिए, क्या समझें? सादत समझें। ये सहाबा के हम शाने बयान करते हैं। एक रात का दूल्हा है, जरा टिक के बैठिएगा, मैंने आपसे बड़ी बातें शेयर करनी है। अभी तो उसे गुस्ल का भी ख्याल नहीं रहा कि मुनादी कहता है चलो अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए चलो, जिहाद के लिए चलो। अपनी बीवी को आखिरी सलाम देता हुआ निकलता है, ग़ज़वा उहद में पहुंचा, कुश्तों के पुश्ते लगा दिए, बहादुरी के जौहर दिखाए, और जब जंग की धूल छटी, मेरे प्यारे पैगंबर ने कहा ओए फलां को देखो, फलां को देखो, फलां को देखो, और मैंने कहा सहाबा कितनी अजमत वाली जमात थी कि जिसका ख्याल खुद कायनात के रसूल करते हैं। आप कहते हैं मेरा हंजला कहां है, मेरा साद कहां है, मेरा साद कहां है? और साद तो मिल गया, साद इस हाल में मिला कि जान कनी का वक्त है, आखिरी सांसें हैं, और जो सहाबी सर पे पहुंचा उसने कहा साद तुझे अल्लाह के पैगंबर सलाम दे रहे हैं, तुझे अल्लाह के पैगंबर इन्हें नैन सलाम दे दी, अल्लाह दे पाक पैगंबर। क्यों भाई, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। सुन्नत यह है कि बैठे हुए लोगों मैं ऊपर से आऊं तो मुझे सलाम करना है या बैठे वालों ने सलाम करना है? आने वाले ने, ऐसे ही है। लेकिन रब ने सहाबा के लिए कानून ही बदल दिया, बदला। मैंने कहा कुरान पढ़, अल्लाह कहते हैं मेरे पाक पैगंबर अगर आप बैठे हो, तशरीफ रखते हो और आपके सहाबा आ जाएं, तो मेरे पैगंबर उनके सलाम करने से पहले आप सलाम किया कीजिए। सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम। मेरा पैगंबर अपने सहाबा को खुद सलाम करता है, और हम भी सहाबा को क्या करते हैं? बोलो बोलो, सहाबा को सलाम करते हैं। साद अल्लाह के पैगंबर तुझे याद कर रहे हैं। साद कहने लगा जाके मेरे पैगंबर को मेरा सलाम देना और कहना वक्त ऐसा है कि मैं अब उठने के काबिल भी नहीं, चल चलाओ का वक्त है, अब मेरा पैगाम ये देना कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आपसे मुलाकात दूसरे जहान में हो। साथ फौत हो गए। आगे सुनो, शहादत के रुतबे पर फाइस, जब दफन करने की बारी आई, साथ काले रंग का सियाफाम, और मेरे पाक पैगंबर ने सात का सर अपनी झोली में रखा हुआ है। लाओ ना कोई ऐसी जमात। सहाबा आगे बढ़े तदफीन के लिए, अल्लाह के पाक पैगंबर कहने लगे किसी को कब्र में उतारने की इजाजत नहीं दूंगा, आज पैगंबर अपने हाथों से अपने सहाबी को कब्र में उतारेगा। इन शहादा का क्या करोगे? मेरा आपसे बार बार सवाल, ये सवाल आप तक छोड़े जा रहा हूं, उनसे भी पूछिएगा, इनका क्या करोगे? और उस अनस बिन नजर का क्या करोगे? ओद के मैदान में तो शहादतें ऐसे तकसीम हो रही थी जैसे थोक के हिसाब से। अनस आए नबी अलैहिस्सलाम के पास, कहने लगे या रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अइन अल जन्नत, जन्नत कहां है? नबी अलैहि सलाम कह रहे शाबाश जिहाद करो, लड़ो काफिरों के साथ, लड़ो जन्नत मिलेगी, जन्नत मिलेगी। साहबी क्या कहता है? अइन अल जन्नत, जन्नत कहां है? और खुदा की कसम जन्नत मुश्ताक थी मेरे पैगंबर के सहाबा की। रब ने जन्नत को सवारा ही नबी के सहाबा के लिए। रब दी जन्नत नहीं सजदी जेड़े वेले ताई मेरे पैगंबर के सहाबा नहीं गए। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया सुनिए। आपने फरमाया वराओत, ओद पहाड़ सामने था। नबी अलैहिस्सलाम कहने लगे ओद पहाड़ दे पीछे जन्नत है, यानी नजदीकी बयान की कुर्बत, बड़ा बड़ी करीब है। सहाबी के एक हाथ में खजूरे हैं और दूसरे हाथ में तलवार है और पट्टी उसने बांधी हुई है, और नबी अलैहिस्सलाम को खजूरे देता है, झोली में डालता है, कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खजूरें आप तनावल फरमा लीजिए, मैं अब खजूरें जन्नत में जाके खाऊंगा। क्या करोगे इन शहीदों का? हजरत हमजा कोई बयान करे ना, मैं तो कहता हूं करो, शहादत हुसैन भी बयान करो, इन शहीदों का भी जिक्र करो। मैं तफसीली वाक्या नहीं बयान कर, सिर्फ इशारों से आपको समझा रहा हूं। मैंने आगे बहुत सारी बातें आपसे करनी। हमजा को शहीद किया गया और इतनी मजलूमियत से कि हजरत हमजा के जिस्म के टुकड़े किए गए, कान काट दिए गए, नाक काट दी गई, रुखसार काट दिए गए, आंखें निकाल दी गई, होंठ काट दिए गए, उंगलियों के टुकड़े कर दिए गए, सीना चीर दिया गया, कलेजा निकाला गया, और हिंदा ने मेरे पैगंबर के सामने हमजा का कलेजा अपने मुंह में लिया। अगर असा में लून पलेथा लागे ना, असा में लोगों को रुवा दिया, इन्हां नु रुवावना केड़ा मुश्किल है? आपको रुलाना कौन सा मुश्किल है? एक जाकर गया पख्तूनख्वा मजलिस पढ़न, बड़ा रुवावण की कोशिश की थी, बड़ी रुवावण की कोशिश की थी, अगू पठान जमीन जुम्बद न जुम्बद गुल मुहम्मद, बसे पै गया पठाना दे, पठाना ते अमरीके नु कोई नहीं समझिया, ओ बोलो सही यार नसाया के नहीं नसाया। जाकिर ने देखा रो नहीं रहा, उसनु दुख थी, रग आ गई उंगली के नीचे। अच्छा अच्छा उसने कहा मेरे पठान भाइयों करबला दे मैदान बड़ा जुलम होया, पानी तो बंद होया ही होया, खाना भी बंद होया, पानी भी बंद होया, जुलम भी बड़ा होया, जबर भी बड़ा होया। उन्हें खबीस दे बच्चियां हजरत हुसैन ते काफले वाले दी निस्वार ही बंद कर छोड़ी। ओए होए 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 पठाना दिया कूकां, बड़े को खबीस हैं भाई निस्वार ही बंद कर छोड़ी, रुवावना केड़ा मुश्किल है? थोड़ा हमजा की शहादत पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने आंसू बहाए थे, रब की कसम है पूरी जिंदगी मेरा पैगंबर इतना नहीं रोया। साहबा कहते थे हम उन लोगों से कहते थे जिनके दिल बड़े सख्त थे, और जेड़े सख्त दिल वाले हो ना वो भी पैगंबर दे अथरुआ ते आंसुआ नु वेख के अज रो लो। टुकड़ों में तकसीम है, हमजा आपका चचा है, हम उमर है, प्यारा चचा है मेरे प्यारे पैगंबर का, देखा नहीं जा रहा। इतनी देर में हमजा की बहन भी आ गई,
क्या नाम था? चोणवे बंदे बोलते पहले चोणवे असा अपने मजहब नू पढ़िया ही नहीं, उन्ना पढ़िया ते दुध पींदे बच्चों के कन नाल भी या ली मदद आखो ना जी गल सही सही आखो तेन हाले नहीं पता के फर्क के तू आखे आधे रामन सन के जिथे लगा कोई लगा राण दो। हजरत सफिया इजाजत तलब करती हैं, जाओ जाके नबी अलैहिस्सलाम से इजाजत लो, मैं अपने भाई का चेहरा देखना चाहती हूं। अल्लाह, लेकिन चेहरा बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, पहचान में नहीं आ रहा। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी फूफी से कहो दुआ कर दे, सब्र नहीं कर सकेगी। सफिया कहने लगी जाके पैगंबर इस्लाम से कहो कि मैं अपने भाई की लाश भी आना चाहती हूं और मैं वादा करती हूं कि कोई बेसब्री का कलमा अपनी जुबान से। शहीदों पर क्या होता है? फख्र भी होता है, सब्र भी होता है, याद रखना। और नबी अलैहिस्सलाम ने सुनो शहीद सुनो कि मैं शहीद है, 70 साहबा शहीद हुए, कितने बोलो? नबी अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे चचा की लाश सामने रख दो, मेरे एक एक शहीद को रखते जाओ, मेरा दिल करता है मैं आज अपने चचा पे 70 मर्तबा दुआए मगफिरत कर, 70 मर्तबा मेरे पैगंबर ने चचा पे मगफिरत और बख्शिश की दुआ की। अगर सुनो शहीद, आपने खड़े होकर एक ऐलान किया, ऐलान क्या किया वो सुनो। आपने फरमाया हाजा अम्मी, हाजा अम्मी, अम आदिल चाचे लो। आपने फरमाया हाजा अम्मी, ये मेरा चचा सैयद शुहदाए। सुन दे पे, समझ तुम आ गई होनी, मैं तर्जमा ना भी करे तो तुम समझ आ गई है। हाजा अम्मी, ये मेरा चचा सैयद शुहदाए इला यौमिल कियामत, कियामत की सुबह तक जितने भी शहीद आएंगे मेरा चचा तमाम शहीदों का सरदार है। किसने कहा? उस मुखबिर सादिक ने कहा, उस असदकुल कायलीन पैगंबर ने कहा कि जिसके जुबान से निकलता था तो सिवाय सच के कुछ भी नहीं निकलता था। कहना क्या सैयद शुहदा, मैं मानता हूं हजरत हुसैन की शहादत, मानता हूं जो शहादत हुसैन का मुनकर है वो तो बेईमान है। शुहदाए करबला का बेअदब और गुस्ताख बेईमान है। हुसैन हमारा है, हमारा है हुसैन, इसलिए हमारा है, इसलिए हमारा है कि हुसैन के घर में खेलने वाले बच्चों के नाम से लगता है कि हमारा है। पता नहीं मैं क्या बात कह गया हूं, सुन सो और बोलो। करबलाज कितने शहीद हुए? बोलो ची आवाज नाल, मन जरा शोहदाए करबला दे ना ते दसो, किदाई पड़े भी हैं तुसा? आज भी करबला के मैदान में जो मस्जिद है उस मस्जिद के अंदर पूरे शोहदा के नाम लिखे हुए हैं, उदे विच हजरत अली दे पुत्रा दे नाम भी हैं, हजरत हुसैन के पुत्रां के नाम भी हैं, हसन के पुत्रां के नाम भी हैं। हुण तैनू तौफीक ना हो, तैनू तौफीक हो सी किवें? तन ते तौफीक हो नहीं सकती। एक जुमला मैंने ऐसी आ गया तो मैंने कह दिया हुसैन हमारे, बोले हुसैन सुनो चनोट वाले क्यों साढ़े ने। अली का घर
किसी का सहन, और उस सहन में खेलने वाले अबू बकर उमर। सारे सुमान लाखो ना ठिक्की ठिक्की ना सारे आखो। घर अली दा अबू बकर उमर कभी जान नहीं छोड़ेंगे। तू जहां भी जाएगा अबू बकर उमर तेरे साथ होंगे। भामी तू जो कुछ मर्जी हो ना धारा, जो कुछ मर्जी आ। घर अली का बच्चे खेलने वाले अबू बकर उमर उस्मान और घर हुसैन का एक बात करूं आपसे। अक्सर खुतबा उलमा हजरत हुसैन की जिंदगी के पहले 5 साल और मुहर्रम के कुछ दिन सारे दा सारा हजरत हुसैन की जिंदगी दा तसव्वुर इना दे विच्चे विचकारली जिंदगी सारी के हो गई। इन्हीं है ना हुसैन के कान में अजान देने का जिक्र है कि कोई ना बोलो कह दित्ती अजान बोलो बोलो कह दित्ती। हुसैन नाम किसने रखा? हजरत अली के रखा। नबी अलैहि सलाम आख्या फातिमा ये चंगा नाम नहीं। फातिमा आख्या अब्बा जी तुसा ही रख दो। आपने फरमाया मैं अपने दोते का नाम हुसैन रखता हूं। हाय हुसैन आखिए या वाह हुसैन आखिए? वाह हुसैन। किसी के कान में कोई अजान दे, एक बात कह रहा हूं उलमा मेरी तस्दीक करेंगे या ना करेंगे, नबी अलैहिस्सलाम ने कभी अजान नहीं दी। ए जी मैं सा मसीती दिन मोजिन बन दिया। मेरे पैगंबर ने अजान दी है तो अपने दोस्तों के कानों में दी है। खुशकिस्मत है न के कोई ना बोलो। और जब घुट्टी लगाने का वक्त आया लोग आ दिन घुट्टी के चंगे बंदे को लव्या यार, कोई भड़कीला बंदा ना होवे, कोई लड़ाका बंदा ना होवे। खानदान च वेखो जेड़ा कोई सबर ते हौसले वाला बंदा होवे तां जो ए बच्चा भी बड़ा हो के बने। सुभान अल्लाह। वाह हुसैन वाह हुसैन। मेरे पाक पैगंबर ने गुट्टी किस चीज की लगाई? अपना लुआबे दहन। और फिर मैं कहां ले जाऊं आपको, कहां ले जाऊं गुट्टी मेरे पैगंबर? तवज्जो कीजिएगा, ऐसे ही जहन में आमद हुई है। के हुई है वो कही आदे ना आमद हुई है वो ता आमद आदे ने अगले भी आमद करवाए। इंशाल्लाह तेरा वह उस आगे सुके ते मिल माइया नहीं है ना। आमद क्या हुई है? मेरे पैगंबर ने घुट्टी लगाई हुसैन को। हुसैन के मेदे में पहली खुराक पहुंचने वाली मेरे पैगंबर की थूक मुबारक है। ऐसे ही है जुबान पे थूक लगी है हुसैन के। किसकी? नबी अलैहिस्सलाम की। हुसैन तेरे क्या कहने हैं? जब तू थोड़ा सा बड़ा हुआ चलने के काबिल हुआ तो तेरी जुबान को पैगंबर तेरा नाना अपने मुंह में लेकर ऐसे चूसा करता था जैसे अरब वाले खजूर की गुठली को चूसते हैं। रबत लगा कुछ के नहीं लगा? ओ बोलो सही यार, रबत लगा ना? एक और रबत लाना। किसी के मुंह में मेरे पैगंबर का लुआब गया, किसी की एड़ी पे मेरे पैगंबर का लुआब लगा और किसी की आंखों पे मेरे पैगंबर का लुआब लगा और कभी कड़वे कुएं में मेरे पैगंबर का लुआब गया। कड़वा कुआं मीठा हो गया, लेकिन मैं उस लुआब का जिक्र करना चाहता हूं। वो लुआब आयशा था जो मेरे पैगंबर के मुंह मुबारक में गया।
लुआबे, ये लुआबे पैगंबर है, वो लुआबे आयशा है। और वत रबत देखो, ये लुआब खुट्टी के तौर पर आमद पे जाला जा रहा है, आमद पे आ रहा है ये लुआब किसी के मुंह में, और लुआबे आयशा मेरे पैगंबर के जाने के वक्त आ रहा है। खुशकिस्मती देखो, खुशकिस्मती। और फिर हजरत आयशा फरमाया करती थी, मुझे फख्र है इस बात पर कि जब अल्लाह के पैगंबर दुनिया से गए, मेरे लुआब के आपके मुंह में जाने के बाद फिर दुनिया की कोई खुराक लेके नहीं गए, बल्कि आप मेरा लुआब लेकर गए हैं। भाई ने समझ, आगे चलिए कि पहली आई हुई चली गई। अच्छा मन ए तदसो मैं गल के करेंदा पे, चलो बस लुआब ते हो गया, इससे पहले की गल करता पे। हजरत अमीरे अब सुनो यार, सुनो, टाइम भी बड़ा थोड़ा है और मैं शुहदा का भी तस्करा कर रहा हूं और साथ में कुछ और भी तस्करा करना चाहता हूं। ये वो शहीद हैं, इनका भी तस्करा कर, इनकी मजलूमियत को भी बयान कर, इनकी प्यास को भी बयान कर। उस्मान प्यासा को नहीं रहा, और बोलो कोई नहीं रहा। चलो मान लिया, वरना हकीकत यह है कि 10 मुहर्रम को हजरत हुसैन कूफा पहुंचे हैं। बोलो किस तारीख को? 10 मुहर्रम को। ऐ जड़ा वेला नहीं दीगर दा, इस दीगर वेले उन कूफियों ने, उन गद्दारों ने, उन शरपसंदों ने, उन लालतियों ने नवासे रसूल के साथ जो खेल खेला है, खेमों में बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। जा किधर रहे थे? बोलो शाम। किदे किदे? कूफा। कूफे से रास्ता बदला कि मुझे शाम जाने दो, मैं वहां हाकिम के साथ बैठकर मामला खुद तय कर लूंगा। इस शर्त पे और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, फरीकैन की किताबें खोल के देखो, हमारी देखो, उनकी देखो। हजरत हुसैन का इस बात पे इत्तेफाक हो गया कि मैं जाऊंगा शाम, वहां पे अपना मामला तय कर लूंगा। गेड़े बंदे मदीने विचू हजरत हुसैन नू लेके आंदे पे हैं, उन्ना आख्या हुण ते हो गया जुलम, असा केड़े मकसद वास्ते लेके आए? ए पहुंची उत्थे ते साडे खत इन्हां दे कोल, हिक खत तो पढ़ सी ते साडी चमड़ी उधेड़ के ए जिहड़ी खैमा नूं अग लाईआं गईआं, खैमियां नूं ए क्यों लाईआं गईआं? उन्हां खत्तां नूं ज़ाया करन वास्ते। मुद्दा मुकाओ, मुद्दा। हुसैन की प्यास का क्या करोगे? इतने दिन प्यासे रहे, बोलो ऊंची आवाज से यार। आपको 3-4 दिन हो गए शहादत सुनते, इसमें हजरत उस्मान का जिक्र भी आया होगा, सहाबा का जिक्र भी आया होगा। 40 दिन, बोलो बोलो कितने दिन? उम्र कितनी हजरत उस्मान की? 82 साल। 80 साल तो उत्ते, एक 82 साल का बूढ़ा 40 दिनों तक भूखा और प्यासा है। खुदा दी कसम है, शहादत बयान करा तो सब भी रोमन लग जाओ। कोई बेटा नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई दोस्त नहीं, मकान में एक उस्मान है और एक उसकी बीवी नायला है। वो भी बुढ़िया है, ये भी बूढ़ा है, और मदीने में शरपसंदों ने कब्जा किया हुआ है। और किसी ने पूछा था, नायला फिर प्यास कैसे बुझती थी? चिनोट वालों सुनो, शहादतें आप सुनते रहते हैं, प्यास कैसे बुझती थी उस्मान की और तेरी?
कहती थी जब भी प्यास लगती थी तो रब का कुरान पढ़ लिया करते थे। एक और बदला देना, कभी सहाबा की प्यास कुरान को पढ़ के बुझती थी और कभी सहाबा की प्यास साहिबे कुरान को देख कर बुझ जाया करती थी। सहाबा 15-15 दिन की भूख, और सहाबा से लोग पूछते थे फिर गुजारा कैसे होता था, कहते थे 15 दिन की भूख पैगंबर के चेहरे की एक झलक देख के खत्म हो जाया करती थी। उस्मान को शहीद किया गया, बेदर्दी से शहीद किया गया। और सुनो ए, मैं उनकी बात करूं, कहते हैं हजरत अब्बास साकी बने थे। क्या बने थे बोलो? साकी बने थे। किसके? अपने भाई हजरत, बोलो हजरत उस्मान का साकी कौन बने? तुहानू के दस्या ही नहीं, तुहानू शहादत के सुनाइया ही नहीं। करबला के मैदान में अगर हुसैन का साकी अब्बास बना था तो मदीने में उस्मान का साकी अली अल मुर्तजा बना था। जाके देखो किताबों में, अली मशकीजा फर के ले जा रहे हैं और बलवानियों ने तीर मारकर मशकीजे को फाड़ा ताकि ये पानी उस्मान तक। कहते हो मुनाफिक थे ये? थे अगर दुश्मन थे। मैं सवाल करना चाहता हूं, उस्मान के दरवाजे पे पहरेदार कौन थे? बोलो जरा ऊंची आवाज से। हुसैन ने शहादत का सबक कहां पढ़ा? अगर करबला के मैदान में शहादत हुसैन हुई है, ओए हजरत हुसैन ने शहादत का सबक अपने चचा उस्मान के घर से पढ़ा था। और अगर प्यास को बर्दाश्त किया था तो चचा उस्मान की प्यास को देखकर बर्दाश्त किया था। और अगर कुरान की तिलावत की थी तो अपने चचा उस्मान को आखिर दम तक कुरान की तिलावत करते हुए देखा था। लेकिन ये क्या कहते हैं, मेरे आखिरी जुमले, उठना नहीं, जिनकी शहादतें बयान कर दो ये सब जीरो हैं। क्या मतलब? मुनाफिक हैं ये, मुनाफिक हैं। नबी अलैहिस्सलाम की वफात के बाद सिवाय चंद लोगों के सारे काफिर और मुर्तद हो गए। यार हम तो किसी पर चोट नहीं करते। अभी मौलाना फरमा रहे थे 3 दिन से हमारी कॉन्फ्रेंस है लेकिन हमारे किसी खतीब की जुबान से कोई गैर अखलाकी लफ्ज या जुमला आपने सुना? हमें क्या जरूरत है गालियां देने की, किसी को बुरा भले कहने की? मैंने कहा मौलवी इत्थे खलो के गालियां देवे ते बार बाजार च एक बाजारी औरत गालियां देवे ते गंदी जुबान इस्तेमाल करे, मन दस इस मौलवी ते उस औरत को फर्क है? बस सिर्फ ये मौलवी है। हमसे आप कभी को गैर अखलाकी? हमें तकलीफ बड़ी होती है जब लोग सहाबा के बारे में ये कहते हैं, तबर्रा करते हैं। तबर्रा क्यों कहते हैं? मुनाफिक, बस इतने लोग रह गए बाकी सारे खत्म। आज जिनोट वालों मैं आपसे एक बात कहने लगा हूं, और ये पल्ले बांध के जाना और जाके अगर कोई आपका हल्के में कोई बंदा ऐसा हो जो दूसरे फिरके का है उसको बस सिर्फ इस एक आयत का तर्जमा सुना देना। अगर थे मुनाफिक और काफिर तो अल्लाह ने अपने पैगंबर को काफिरों और मुनाफिकों के साथ क्या मामला करने के लिए कहा था? सिर्फ मेरा सवाल है। अब मैं कुरान की आयत पढ़ने लगता हूं, आप जरा सुनिएगा। अल्लाह कहते हैं या युहन्नबियो, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु जाहिदिल कुफारा वल मुनाफिकीना, मैं आख्या
یہ ہائن منافق ابو بکر عمر عثمان سارے تو نبی جہاد کیوں نہیں کیا؟ آپ کے پاس دلیل ہو؟ ان ڈھلے ڈھلے کتنا ہلاؤ، پکے مضبوط ہو جاؤ، پکے مضبوط۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے منافقوں کے ساتھ کیا کیا؟ جہاد کرنے کا۔ تم ابو بکر کو منافق کہتے ہو اور ابو بکر کو میرا پیغمبر ہجرت کی رات میں اپنا رفیق بنا کے لے لا، منافقوں کو لے کے بنیندا بولو تو صحیح یار، حق گل کرو نا، رفیق کے سفر بنایا اور اس رفیق کے سفر نے رفاقت کا حق ادا کر دیا۔ میرے پیغمبر کے تلوے بڑے نرم اور ملائم نازک، پتھریلی زمین پہ چلتے دیکھا، زخم محسوس ہوئے نا ابو بکر کو۔ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کاندھے حاضر ہیں، میرے موڈے آکھو، میرے موڈے۔ اوئے اسا سارے دا ادب کریندے ہاں، سارے دا کوئی او ہن جڑے نبی دے موڈیاں تے بامن والے، او بھی برحق ہیں کہ کوئی نہ؟ میں نے کہا جو نبی کے کاندھوں پہ بیٹھا وہ بھی برحق ہے، اور نبی جس کے کاندھے پر بیٹھا وہ بھی برحق ہے۔ کیوں لان تان کرتے ہو یار؟ چنگے بھلے پڑھے لکھے لوگ اگر کوئی بندہ سنتا پیا وہ بھی سمجھ لے۔ بوجھ اٹھایا ابو بکر نے، کیا اٹھایا؟ بوجھ اٹھایا، نبوت کا بوجھ اٹھایا۔ چنوٹ والوں میں سوال کرتا ہوں، صدیق سے رب نے نبوت کا بوجھ کیوں اٹھوایا؟ وہ اس لیے اٹھوایا کہ ابو بکر پہ خلافت کا بوجھ ڈالنا تھا۔ نبوت کا بوجھ بھی اٹھا کے لے گیا، خلافت کا بوجھ بھی اٹھا کے لے گیا۔ اے مارکہ آ دینا، ابو بکر آئی منافق، اے صرف امامت لیمن واسطے، اس واسطے خلافت واسطے۔ اور میں کہا بڑے کملے ہو، بڑے کملے ہو، ابو بکر امامت خلافت لے گیا؟ چلوڑ والوں جواب دے دیو، نہیں نہیں نہیں، ابو بکر امامت بھی لے گیا، ابو بکر خلافت بھی لے گیا، تے ابو بکر موڈیاں تے چا کے نبوت بھی لے گیا۔ ہوندا کچھ نہیں، ہوندا کچھ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں جہاد کر، ایک اور بات کروں، اللہ نے قرآن میں منافقوں کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں، یہ آج پلے بند کے جو آخری گلہ میری ہیں، نشانیاں دسی اللہ نے۔ ایک نشانی اللہ یہ دسی، منافق بڑے کنجوس ہوں دیں، یہ ہوں دیں نا، تو سامی گویڑ ہی پہ جو پتنے سیدے منافق کی نائمہ بڑھ گئے، ہر بندہ اور سوچے دا بیٹھا، یکبزون ایدیہم، منافق بت بند کر کے رکھے، خرچ نہیں کرے، یہ کہہ دی علامت۔ میں کیا تو کن منافق آدھا جس سارے گھر دا مال چاہ کے پیغمبر دے قدمہ چرا، تو کس کو منافق کہتا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر نے پوچھا تھا ابو بکر اور گھر والے واسطے کے چھوڑے ہی، ابو بکر آکھیا ترکت اللہ و رسولا، گھر والے واسطے ایک اللہ دی محبت چھوڑی ہے، ایک رسول دی محبت چھوڑی ہے۔ منافق بڑھتے آگے سن، عثمان آیا شہید مظلوم، مظلوم مدینہ، منافق منافق مورا رکھی ہوئی، مورا ہم انتظامیہ سے بھی کہیں گے یار، ان کو بھی کہا کرو اپنی محفلوں اور اپنی مجلسوں میں
अपना मसलक जरूर बयान करें लेकिन सहाबा पे तबर्रा, बोलो बोलो तबर्रा, इसलिए कि रब को सहाबा पे तबर्रा बर्दाश्त। जिन्होंने तबर्रा मुनाफकों ने किया था रब ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया था। जिन्हें इन्हां नूं बेवकूफ आखिया रब उन्हां नूं बेवकूफ आखिया, ते अल्लाह पाक बुनियाद दसी जिहड़ा इन्हां नूं काफिर आखे ओ अल्लाह साने एक कसवटी दिती है। उस्मान आया, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा मुजाहिदा वास्ते चंदा चाहिदा, तबूक दे वास्ते, तबूक दी लड़ाई वास्ते। उस्मान उठो उठिया एक सौ उठ, उठो उठिया एक सौ उठ, इथो उठिया इथो उठिया। और एक रिवायत का सहारा लू, सात मरतबा उस्मान ने उठ के चंदे का ऐलान किया। और उस दिन चिरोट वालों, उस दिन मेरे प्यारे पैगंबर ने उस्मान को बार बार जन्नत की खुशखबरी दी, बार बार जन्नत की खुशखबरी दी। हद नहीं हो गई नदी यार। और फिर अशरफियां दी, अशरफियां उस्मान ने अशरफियां दी और मेरे पैगंबर अशरफियां अपनी झोली में लिए हैं। खड़कैंदे पैन नबी अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह की आवाज जो बुलंद हुई ते पैगंबर ने उस्मान वाल वेख्या, एक जुमला बोलिया ते अमर हो गया, जुमला बोलिया ते अमर हो गया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा जर्रा उस्माना मा अमल बादल योम, आज तू बाद उस्मान कोई अमल करे, कोई समझे एक चंगे तू दुआ होगा। आपने फरमाया उमर जे उस्मान जेड़ा भी अमल करे रब उस्मान को लो नहीं पुछड़ा। ये तो होगा ना मुनाफिक, इन्हां दी शहादत दा बयान ही को नहीं करनी। और मुनाफिकां दा मुनाफकां दा ठिकाना जहन्नम दे आखरी तबके, काफिर उत्ते मुशरिक उत्ते फिद दरकेल। ते सहाबा कित्थे, मैं आख्या तन यकीन तो ना हो सी कि पता नहीं उन्होंने रब के मामला करना। मैं आख्या जे अन्ना ने जे अल्लाह तनु अखा दितियां ते मदीने विच भी वहना अबू बकर ते उमर ते अज भी जन्नत दे अंदर है। किसी नु शके, किसी नु शके, मेरे पैगंबर ने कहा मां बई ना बई थी मिंबरी रोजा तुम मिर रियाजिल जन्ना, अबू बकर ते आज भी जन्नत, उमर ते आज भी जन्नत है। कड़ के विखा कैसो आया आवाज नाल, कैं सुआया अली उल मुर्तजा सुआया, अली दी सीरत ते अमल कर। और असां अहले सुन्नत वल जमात हां, साडी जमात इशात तौहीद व सुन्ना, साडी जमात थोड़ी जी बदनाम ज्यादा, बद नालू बदनाम बुरा होता है यार। एक गल आ गई एक आख देवा, साडा अकीदा भी सुन लो। हमारे प्यारे पैगंबर का वजूद मुबारक, आपका जसद अतहर कब्र मुबारक में अल आन कमा कान, जैसे पहले दिन सहाबा ने रखा था आज उसी तरह तरोताजा मौजूद है। मैं जो अखीर से गल करनी है उन्होंने समझाए दो त्रै मिनट ने उठना नहीं, तुसा तशबीह नहीं देना चाहता लेकिन आपको समझाने के लिए गुलाब का फूल पंखड़ी पर इतना फ्रेश और तरोताजा नहीं जितना मेरे प्यारे पैगंबर का वजूद कब्र के अंदर तरोताजा है।
اور سن لو، وجود اپنی جگہ پہ رہ گیا، میرے پیغمبر کو جو صحابہ نے غسل دیا تھا، غسل دینے کے بعد جو پانی کے قطرے میرے پیغمبر کے چہرے پر، رخساروں پر، داڑھی پر، جسم کے کسی حصے پر جو قطرے اس دن رہ گئے تھے، اللہ کی قسم ہے وہ پانی کے قطرے بھی میرے پیغمبر کے وجود پہ آج تک موجود ہیں۔ سارے آنکھوں دار سبحان اللہ۔ یہ تو میں نے وجود اقدس کی بات کی ہے، اگر قبر مبارک کی بات کروں، قبر مبارک کی بات کروں، زندہ جبریل ہے، جبریل زندہ ہے کہ کوئی نہ بولو، زندہ جبریل سدرۃ المنتہا پہ ٹھکانا ہے۔ خدا دی قسم ہے جیندے جبریل دے وجود تے رب دی رحمتاں دی اتنی بارش نہیں ہوندی جتنی بارش میرے پیغمبر دی قبر مبارک تے ہوندی۔ سمجھ آندی بھائی نے؟ ہوائیں چلتی ہے رحمت کی، یہ چلدیاں بولو، اے ہوا پکھے دی ہوندی ہے، یہ پکھا ہو گیا بند، ایک آ جاوے کوئی طالب علم قدرت فین لے کے، جڑا فین سمجھا کون ہے میرا گھر کے فین، دیر نہ سمجھ دیو، وہ قدرت فین لے کے آ گیا، اس کا مولوی صاحب پسینہ آیا کھلوتا، میں انہوں نے جھلا ہوا دیوا، من سی نا ہوا جھلے سی، من ہوا دا کوئی قطر انہوں نے لب ویسی کوئی قطر، خدا دی قسم ہے جڑے ویلے اللہ دیاں رحمتاں دیاں پھواراں تے ہواواں چلدیاں میرے پیغمبر دی قبر تے، اللہ ابو بکر تے عمر نو کیویں محروم رکھنا ہے؟ سبحان سبحان اللہ۔ جو انبیاء پر نازل آخری جملہ تے وما علینا الا، پوری دی پوری کانفرنس دا خلاصہ، جنیوٹ والے ہو انشاءاللہ، آنکھو انشاءاللہ، جیسا آگ کا چھوڑا پتر ہے ابو مولی صاحب کی حق ہوا ہوئے، پتہ نہیں کی حق ہوا ہوئے، مولی کو اکمان لگی تا لوگ کی کہنے پتہ کوئی نہیں، انشاءاللہ اس ملک پاکستان میں ابو بکر کی صداقت کا اور عمر کی عدالت کا اور عثمان کے حیا کا اور علی کی شجاعت کا اور معاویہ کے تدبر کا ڈنڈکا بجتا رہے گا، بجتا رہے گا، بجتا رہے گا، انشاءاللہ۔